देख रहे हो, यह है मेरे हाथ में छुरी और देखो ये कितना क्यूट लग रहा है रात के 3 बजे, कितना क्यूट लग रहा है। बंद कर। ये देखो गाइस, ये देखो, फिर से मार। सुबह 9 बजे दिया था एक काम, ये देख रहे हो ये क्या है, ये कितना सुकून है, बहुत ज्यादा मन करता है इधर ही बैठे। देखो 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 गाइस, चावल तक लग चुके हैं भाई। क्या लग रहा है इतना बड़ा जो है, ये क्या उठा के लाए हैं भाई? हम कुछ भी कर सकते हैं भाई। गाइस अभी हम जा रहे हैं लकड़ियां काटने के लिए और मेरे साथ दानिश है। दानिश अभी गिरा भाई, कैसा फील हुआ गिर के भाई? बहुत तगड़ा भाई। ये देख रहे हो, तू जो टेंट में बैठने वाला था, अगर तू टेंट में बैठने वाला था तो क्यों वापस आया? सीधे पता फट रही है कुछ मसले है भाई। भाई इसकी ना फट रही है, सीरियसली कह रहा हूँ, इसकी ना 110% फट रही है। तो फिलहाल के तौर पे हम जाएंगे नीचे और लकड़ियाँ काट के आएंगे। दानिश काट के दिखा भाई। ओह ओह, गलत 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 दानिश, नीचे से ऊपर की तरफ गो रहा हूँ। मैंने बोला नूर है चेहरे पे, किसके? मेरे? देखिए आपको लग रहा होगा छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। क्या लग रहा है इतना बड़ा जो है, ये क्या उठा के लाए हम भाई? हम कुछ भी कर सकते हैं भाई, ये तो वैसे भी सड़ने वाला था, इट्स बेटर के हमारे काम आ जाए। नहीं रखा ही नहीं हम जा रहे तो मुझे घर से ही पता था हम दो ही है। क्या 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 अजय ऐसे ही है ये तो भाई, ये तो है ही नहीं, ये है ही नहीं। कौन है ये? कौन है भाई हमारे साथ? और कोई नहीं हमारे साथ, देख पा रहे होंगे मैं आया हूं किसी तरह की लोकेशन पे लकड़ियां लाने के लिए। लेकिन आप ये एक बार चेक करो भाई, ये देखना ये टेम्परेचर यहाँ का देखो। ये टूटेगा ही नहीं, इतना मोटा है भाई, माइनस में टेम्परेचर है इधर, देख रहे हो भाई? ये क्या हो रहा है? देख रहे हो, दो बंदे हम इस पे बैठे। ये देखो गाइस, ये देखो, फिर से मार। बहुत टाइम के बाद हम जंगल के बीचों बीच आज हम फिर से बारबेक्यूज रेडी कर रहे हैं। ये आप चेक कर सकते हो, सहेल भाई ने अभी लोड कर रहे हैं फिर से, याद है इससे पहले भी मैंने बोला था लोड कर रहा है, आज भी लोड ही कर रहा है। ये वाली सीख ना इसी की है, ये वाली मेरी है, यहाँ पे ना काशिफ साहब की लोड हो रही है। ठीक है काशिफ दादा, तो अपना व्लॉग बनाना है मेरा, तेरा बंद करूँ? मेरी तारीफ़ कर, तेरी तारीफ़ करूँ? ये देखो ये कितना क्यूट लग रहा है शाम को रात के 3 बजे, कितना क्यूट लग रहा है। बंद कर। मस्त बैठ गया। Boys, welcome back to the channel. और सुबह हम अभी बजे है सुबह के 7 और मैं अभी बाहर निकला हूँ। देखो देखो गाइस, चावल तक लग चुके हैं भाई, और आप किस चीज़ की बात कर रहे हो भाई? यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर मैं मास्क के बगैर बाहर निकलूँगा ना, कसम से कह रहा हूँ भाई, डेड हो जाएगा। सुबह 9 बजे के तौर पे मुँह हाथ मैंने धो लिया है, एंड यहाँ पे ना आग भी जला दी है, एंड मैगी वैगी के लिए ना एक दो बंदे गए हैं मैगी वगैरह लाने के लिए, एंड सारी चीज़ें हमारे साथ है। बट कुछ और कह रहे हो, और चाचा हमारे साथ आते हुए भाई, फुल पावर, देख रहे हो चाचा कहाँ थे? सुबह आप ही यहाँ से गए थे ना? हाँ, हम यहीं रहते हैं पुलवामा में। तो हम तो चले कलान में आते हैं, हम बर्फ में हर गेम पे, जब हमें नहीं लगती ठंड, हमें नहीं लगती ठंड, लगता क्या काल हमें लगती नहीं है, लगता हाँ लकड़ी तो लानी है सर्वाइवल। आपका भाई बहुत परेशान है सुबह को बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक गंदा सपना कह सकते हो भाई, वो देख लिया आपके भाई ने। फैमिली से दूर रहना वादियों में जंगलों में, एंड यहाँ की महक, कोई बंदा डिप्रेशन में है
या कोई बंदा किसी भी चीज़ में मुलवस है भाई, एक बार अपने भाई के कहने पे, अपने भाई के कहने पे एक बार प्लीज़ विज़िट करो यार, एक बार विज़िट करो एंड डिफरेंस देखो आपके डेली लाइफ में और इस वाली लाइफ में, एक बार जाके देखो भाई आपका डिप्रेशन ना भाई मतलब जैसे था ही नहीं वैसा हो जाएगा। गाइस एक तबाही वाला सीन दिखाओ कैसी लगी हाँ, कल शाम को जब मैं गिरा था ना, इन्होंने मुझ पर बहुत हंसा था, बहुत ज़्यादा। मेरे हाथ में ना लकड़ियाँ थी, डैड से मैं गिरा, इसके हाथ में तो कुछ था ही नहीं है, क्यों गिरा। और दूध, दूध के साथ क्या ही मज़ा आता भाई, अलग ही लेवल का सीन है। देख रहे हो भाई किसको फॉलो कर रहे हैं यार, किसको सब्सक्राइब करके रखा है इस बंदे को, जल्द से जाओ प्यार दिखाओ। हमारे साथ एक और ब्लॉगर जुड़ चुका है @ काशिफ दादा। काशिफ दादा कैसी चल रही है पार्टी? बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। खीर पक रही है, इसमें पानी डालना थोड़ा सा, पानी ना। हाँ तो काशिफ आज हम आए कैंपिंग पे, बहुत मजा आ रहा है। कुछ बट अभी ना हम मतलब है शाम तक, बड़े दिनों के बाद आ गए हैं। इसने ना कल हमारे लिए दावत छोड़ी, याद रहेगा भाई, अगर इसका पापा देख रहा है तो थैंक यू। और वो देखो क्रिंज कंटेंट वहाँ पे क्या कर रहा है, OSDR मैं ना इसके सहारे जा रहा हूँ हर कहीं पे, देख रहे हो। तो फिलहाल के तौर पे भाई मैं ना खीर का इंतज़ार कर रहा हूँ, खीर का पकेगी और मैं मज़े करूँगा फुल पावर तरीके से। एंड दानिश यहाँ भाई, हम आए थे कैंपिंग पे बहुत टाइम बाद, दानिश ना मेरे व्लॉग्स में आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा गपशप हो गया था, हो गया था कुछ मेरे में नहीं, इसके साथ कुछ हो गया था किसी और के साथ, तो बीच में इसने मुझे लाया था, तो दैट्स व्हाई कितना सुकून है, बहुत ज्यादा मन करता है इधर ही बैठे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो करूँ आपके पापा को कॉल के 10-20 हज़ार छोड़ो, बोलो हाँ बोल दो। वैसे तो अकाउंट तुम्हारे पास ही होता है भाई, सारा माल पानी इसी के पास होता है, क्या निकाल लेंगे। दिया था एक काम, ये देख रहे हो ये क्या है, ये बना दिया भाई कि आज ना भाई दिल बहुत खुश हुआ, लाइक बहुत टाइम के बाद ऐसी वाली कैंपिंग हुई है, बहुत टाइम के बाद, लाइक सीरियसली मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलो एक दो मंथ के बाद इतनी अच्छी नाइट कैंपिंग। टाइम लैप्स उस गबरू नौजवान, तो फुल पावर खतरनाक सीन है, इनको ना पैकिंग करने देता है, मेरी टांगों में ना हिम्मत ही नहीं है क्योंकि मैं ना कल बहुत घूमा, सुबह भी बहुत घूमा, मतलब हर एक जगह गया जहाँ पर मुझे जाना था, लेकिन फुल पावर सीन हो गया वहाँ, दिख रहे हो टाइम लैप्स लगाया जा रहा है और ये टाइम लैप्स फिर मुझे भी दिया जाएगा। तो फिलहाल के तौर पे ये ना मेरे ब्लॉग में इसलिए पीछे से घूम रहा है ना ऐसे वैसे, ताकि ये ब्लॉग में आ सके, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। अच्छा समझ रहे हो, देख रहे हो, तो ये बात तो काशिफ दादा हमारा, काशिफ दादा जो ना ये भी ब्लॉगिंग कर रहा है भाई फुल पावर। तो अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाओ यार काशिफ दादा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। तो फिलहाल मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा हूँ, मेरी आंखों में इतनी जलन हो रही है, इतनी जलन हो रही है, मैं आपको बोल नहीं पाऊँगा। एंड ये चक्कर बॉयज, तो बॉयज देख रहे हो हम ना घर वापस जा रहे हैं, और देखो कहाँ से जा रहे हैं हम, ओह ये रास्ता एक बार चेक करो, रास्ता भी ख़तरनाक है और मेरे आगे चलने वाले बंदे भी बहुत ख़तरनाक है, इट्स बेटर कि मैं आगे ही चला जाऊँ। ओहो क्या खड्डा है भाई, अगर काशिफ इसमें चला गया ना 2 दिन तक ये निकलेगा ही नहीं, इतना बड़ा खड्डा है रास्ते के बीचों बीच। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी नेचुरल एग्जॉस्ट भाई, इसमें कोई एग्जॉस्ट वेग्जॉस्ट नहीं लगा है, ये ना नेचुरल है, इसमें तो खतरनाक सीन हो रहा है भाई, खतरनाक सीन हो रहा है। तो बोल जी देख रहे हो अतुल बोइन, लगेगी हाथ में, पागल है तू। तो बॉय जी देख रहे हो ये है मेरे हाथ में छुरी और मर गया ये। बॉय जी देख रहे हो काशिफ की बाइक कितनी ज्यादा लाउड है भाई, ओ क्या खतरनाक लाउड है।
मतलब मेरे ना पीछे कान फट रहे हैं। ओह क्या बात है, क्या बात है, ये ना बहुत लाउड है, बहुत ज़्यादा लाउड है।